सुबह सुबह का पीसफुल एटमॉस्फेयर, पक्षियों का चहचहाना और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा के साथ अगर मॉर्निंग की शुरुआत हो जाए तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 6:10 और हम लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह, लाइक 5:36 तक उठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ रही है। तो जो 6 to 7 का टाइम होता है वो इतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि सन डायरेक्टली हमारी बालकनी की तरफ नहीं दिखाई देता है, तो उतना गर्म नहीं लगता है। और आसपास पेड़ हैं और हवा चल रही है, तो पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वो भी अच्छा लगता है। काफ़ी सारे पक्षी हैं, सुबह ऐसा सच कोई ट्रैफिक नहीं होता है, तो एकांत होता है तो अच्छा लगता है। और पक्षियों को चहचहाते हुए सुनना किसको नहीं पसंद है। एक तरफ शहतूत का पेड़ है, दूसरी तरफ आम का पेड़ है, तो पैरट्स दिखाई देते हैं, पिजन्स आते हैं, स्पैरोज आती हैं, और भी अलग अलग किस्म की बर्ड्स हैं। अभी दिखेंगी तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। हमारे जो नेबरहुड का व्यू है वो ज़रूर दूंगी आप लोगों को भी। तो हम बस चारों के चारों बाहर आ जाते हैं मॉर्निंग में 6 to 7, अपना फैमिली टाइम इन्जॉय करते हैं, गपशप करते हैं, अपना लेमन वाटर हो या लेमन टी हो वो इन्जॉय करते हैं, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए, क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन है, तो घर पर ही रह के योगा या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, तो बस दिन की शुरुआत हमारी ऐसी ही होती है और कोशिश करते हैं सारी नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, हर जगह एक ही न्यूज़ है कोरोना, जो कि सिचुएशन वैसे ही इंडिया में बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है। तो ऐसे में चाहिए खुद को पॉजिटिव रखें, इन सब नेगेटिविटी से दूर रखें, अपने आप को सेफ रखें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसी तरह से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है और हमें भी खूब अच्छा लगता है और आगे एनर्जी आती है आगे के दिन को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ गई हैं और ऐसे में हमारी तरह पक्षियों को भी पानी चाहिए, तो यहाँ पे हम बर्ड्स के लिए पानी डाल रहे हैं। तो जी, सब ने नहा लिया है और रेडी हो गए हैं, पूजा वगैरह सब हो गई है और अब बज रहा है 9:15, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। नाश्ते में बन रहे हैं आज वेजिटेबल अप्पे, जो कि मेरे फेवरेट हैं, मम्मी बना रही है, कुछ देर पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और अब चलते हैं किचन की ओर और जिस तरह से हम लोग बनाते हैं मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मम्मी की। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी एंड टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो आ गए हैं किचन में, यहाँ हो रही है प्रिपरेशन मम्मी मेरी। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में सूजी और थोड़ी सी दही और थोड़ा सा पानी मिला के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी फूल जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो मिनिमम 15 to 30 मिनट्स के लिए तो उसको भिगा के रखें ही, और इस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको बना लेना है। और इसी के साथ इसमें मसाले भी ऐड कर दिए मम्मी ने। मम्मी, कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं? नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला, धनिया पाउडर और बस काली मिर्च। अच्छा, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और बस आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मिर्च वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हम ले रहे हैं अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, हरा धनिया और टमाटर,
वेजिटेबल्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मटर और बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, इसलिए हम ये वाली वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एंड में इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिलीज। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और आप जब अप्पे बनाने जा रहे हो उससे पहले इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए। बेकिंग सोडा ना हो तो इनो भी डाल सकते हैं। और इसको फिर मिक्स कर लेंगे और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। पैन को ग्रीस करने के बाद इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और जैसे ही वो थोड़े से क्रैकल होना शुरू करेंगे तो इसमें फिर हम अप्पे का मसाला डालेंगे। अप्पे के साथ साथ हमारी चाय भी एकदम रेडी है। और फ्रेंड्स, आज घर में आए हैं सीजन के पहले आम। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बने हैं अप्पे, मेरे फेवरेट हैं। हालांकि मैं भी फिनलैंड में बनाती हूँ और अच्छे बनते हैं, पर ऐसे नहीं बनते जैसे मम्मी बनाती है। बहुत ही क्रंची बनते हैं ये। और मम्मी जब भी जाती हूँ यहाँ से मैं वापस फिनलैंड, तो मम्मी पैक कर देती है घर के लिए। एक दो दिन चल जाते हैं फ्रिज में रख के, फिर माइक्रोवेव करके आप खा सकते हैं। विंटर्स में तो चले ही जाते हैं। और बस अब इसी के साथ ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। अप्पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। वैसे भी गर्मी के मौसम में हैवी नहीं खाना चाहिए आजकल, थोड़ा हल्का रहता है तो अच्छा भी रहता है और बहुत टेस्टी तो होते ही हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव फन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।